ही देखते हुए बीजेपी के जो नेता हैं वह घबरा गए हैं कि 2024 में क्या होगा। मंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो जिस तरह से चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि सभी गरीब को जितने भी है सबको 15 लाख रुपया खाता में जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जदयू के विधायक बीमा भारती और ये पूर्णिया जिला के विधानसभा क्षेत्र के पॉलिसी विधायक हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जो देख रहे हैं। बीमा जी, आप करीब 2000 में लाने की शुरू क्योंकि 2 दशक से ज़्यादा हो जाते हैं कि बिहार का जो राजनीति अभी जो चल रहा है जिस तरह से मुझे जहाँ तक अनुभव है और जिस तरह से जो सरकार के प्रति जो विपक्ष है और उसका जो रवैया है वह ठीक नहीं है। जो हमारे बिहार में जो सरकार का जो काम हो रहा है हमारे बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमने तो 2000 ईस्वी से लगातार विधायक हैं और हम देख रहे हैं राजनीति में क्या हो रहा है और बहुत अच्छे से जो है जानते हैं कि ये लोग जो है किस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें वह सफलता उनको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी सरकार ने विकास कर रहे हैं, कोई हवाबाजी में बात नहीं करते हैं जिस तरह से बीजेपी के लोग करते हैं, उस तरह से हमारी सरकार नहीं करती है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव में भी 5 महीना ही समय बचा है, तो 2024 लोकसभा चुनाव और एनडीए में टक्कर होगी या फिर एक तरफा? देखिए, हमारे जो गठबंधन है मजबूती के साथ हैं और जो गठबंधन जो हम लोग का हुआ है तो बहुत काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में जो है ना 2024 में चुनाव होगी और यही गठबंधन मजबूती देखते हुए बीजेपी के जो नेता हैं वह घबरा गए हैं कि 2024 में क्या होगा। तो इसलिए जो है कि आप देखते होंगे कि कितना जो है कि न्यूज़ सभी चैनल पर जो इंटरव्यू देते हैं बीजेपी के नेता किस तरह से घबरा करके देते हैं, एकदम से बेचैनी जैसे होता है ना उस तरह से देते हैं। तो हम लोग जो है कि महागठबंधन के जो सभी नेता हैं सभी दल से जो हम लोग एक साथ चुनाव जो 2024 में लड़ेंगे मजबूती के साथ लड़ेंगे और 40 सीट जो है कि गठबंधन के खाता में जाएंगे। हाँ, आपने कहा कि 40 में से 40 तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले बैठकें की दौड़ चली, उच्च स्तरीय बैठकें हुई, उसमें कई दावे किए गए कि भारतीय जनता बिहार की जनता चाहती है कि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और इसमें एक सवाल ये भी है और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 में से 40 सीट जीत रही है। बैठकें करने से जो है जनता का निदान नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगा और जहाँ तक बीजेपी के जो नेता है जो बैठक कर रहे हैं सब जगह जा करके, तो वह बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। जनता विकास चाहती है, जनता जो है बेरोजगारी जो है बिहार में वह चाहती है कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो। तो बेरोजगार जो हमारे युवा है पढ़ लिख करके जो बैठे हुए हैं वो रोज़गार खोजते हैं और रोज़गार नहीं मिलने के कारण जो है कि लोग बाहर जाते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बीपीएससी का आप देखवे कि ये रिजल्ट का कितना अच्छा आया है और जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि सभी टीचर को जो है नियुक्ति पत्र देंगे गांधी मैदान में, उसका तैयारी भी हो रहा है। तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता के साथ जो वादा किए हैं वह पूरा कर रहे हैं। बीजेपी के तरह तो झूठा नहीं करते हैं, वह तो जुमला पार्टी है, बीजेपी झूठा पार्टी है, वह झूठ ही बोलने में रहते हैं। जमीन पर तो कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है, जितना ही दवा ठोकते हैं बीजेपी के नेता जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी
जो जिस तरह से चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि सभी गरीब को जितने भी है सबको 15 लाख रुपया खाता में जाएंगे, तो कहाँ किसी को मिल रहा है। हम भी तो हाँ इंतज़ार कर रहे थे कि हमको भी मिले, हमको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, आपको भी मिला है क्या? तो इस तरह से तो डलमा में रखा है सब बीजेपी के लोग, सभी को बोला कि 1 करोड़ रोजगार जो है कि हम सभी हर साल देंगे युवा को, तो कहाँ रोजगार दे रहे हैं, कहीं नहीं रोजगार दे रहे हैं। तो इस बार की चुनाव में जनता तैयार है जवाब देने के लिए, बिहार की जनता तैयार है और मुंहतोड़ जवाब देंगे बीजेपी के लोग को। और इस बार कौन सा मुद्दा लेकर के वह चुनाव में आएंगे, किस मुद्दा पर वह चुनाव लड़ेंगे? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, सभी महिला जो है कि परेशान है, सभी मजबूर हो गई है फिर चूल्हा फूकने के लिए, जलावन पर जो है ना खाना जिस तरह से पहले बन रहा था उसी तरह से मजबूर हो गई है बनाने के लिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो 200 रुपया कमाते हैं 300 रुपया कमाते हैं, बाल बच्चा को भरण पोषण करेंगे कि गैस सिलेंडर जो है खरीदेंगे? 1200 रुपया दाम है, 1400 रुपया दाम है, 200 रुपया घटाया है, फिर केंद्र का सरकार फिर उसका बीजेपी का सरकार बनेगा तो उसका दुगुना कर देंगे। फिर आप देख रहे हैं जितना भी हम लोग का संपत्ति, सरकार का संपत्ति था जिस पर हम लोग का अधिकार था, वह जो कि प्राइवेट करने का काम किया, सभी को बेच दिया है। इसलिए कि फिर दोबारा जब उसका सरकार बनेगा केंद्र में बीजेपी का, तो हमको लगता है पूरा भारत को ही बेच देगा। अगर चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो सब कुछ बेच देगी, और फिर जो ये गैस सिलेंडर का जो कीमत कम किया गया है ये फिर से हाई कर दिया एकदम बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से वह जो है कि झूठा झूठा वादा कर रहे हैं तो कहाँ कोनो पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी चुनाव में घोषणा किए थे, नल जल का घोषणा किए थे, 7 निश्चय का, सभी को जमीन पर उतारने का काम किया है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री बोले वो सब चीज़ हमारे जो है कि जनता के बीच जो है कि नानने का काम किया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग देखते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितना विकास कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, सभी लोग देखते हैं। और उनका क्या विकास हो रहा है, बिजली सड़क जो है कि लोग अमन चैन से बिहार में घूम रहे हैं, पहले जो है कि नहीं घूम रहे थे, अभी जो है हर जगह जो है लोग घूमते हैं। हमारी महिला जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज हमारी महिला घर से बाहर निकल के काम कर रही है। पंचायती चुनाव में जो आरक्षण मिला उसका हमारी महिला ने लाभ उठाने का काम किया, आज प्रमुख है, जिला पार्षद है, जिला पार्षद का अध्यक्ष बन रही है, सभी लाभ उठा रहे हैं। चलिए जो भी हो, 2024 लोकसभा चुनाव में 5 महीना ही बचे हैं, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके अपने अपने दावे हैं। अब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते रहिए 1 न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी पिंटू के साथ, मैं सदनजी पटना।